जहानाबाद में बिहार गृह रक्षा वाहिनी के लिए चयनित हुए अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। इसे लेकर आज बड़ी संख्या में आए महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों ने कारगिल चौक स्थित गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय का घेराव कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। अभ्यर्थियों ने बताया कि वर्ष 2011 की बहाली 2022 में ली गई। बहाली की प्रक्रिया पूरी करने के बाद फिजिकल और मेरिट बनने के बाद भी इन लोगों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने पिछले काफ़ी दिनों से कार्यालय का चक्कर लगाया और इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ तारीख पर तारीख बताकर अभ्यर्थियों को टालते रहे। नियुक्ति नहीं होने से अभ्यर्थियों में उधेड़बुन की स्थिति बनी रही। 2011 की बहाली 12 वर्ष के बाद लिए जाने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं कराया जाना, इससे अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है और मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं। किस लिए आए हैं? आए हैं जहानाबाद जिला होमगार्ड कार्यालय में। हम लोग का फार्म भराया था सर 2011 में, भर्ती हुआ 11 साल के बाद 2022 में दौड़ हो लिया गया और मेरिट निकला है 10 जनवरी को। और 10 जनवरी के बाद सर हम लोग होमगार्ड ऑफिस में 10 बार 12 बार आ चुके हैं, अभी तक बॉन्ड भरने का कोई डेट नहीं मिला। जब आके मिलते हैं, जब कहते हैं कि निकलेगा निकलेगा, पेपर के माध्यम से देख रहे हैं, अभी तक कोई। और अरवल जिला में सर मेरिट के साथ ही बॉन्ड भरा गया है पूरा बिहार में, करीब करीब औरंगाबाद में सर दौड़ हुआ और मेरिट बॉन्ड भराया और औरंगाबाद ज्वाइनिंग भी कर लिया। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश कुमार, घर काको प्रखंड लाल से बिहार। इधर गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय में कार्यरत एक कर्मी ने बताया कि मैट्रिक की परीक्षा को लेकर विलंब हो रहा है। आने वाले 22 फरवरी को चयनित सभी अधिकारियों को ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। इसे लेकर डीएम को पत्र भी भेजा गया है। बता दें कि वर्ष 2011 में जिले में 229 होमगार्ड बहाली की निविदा निकाली गई। बहाली प्रक्रिया जिला प्रशासन के निर्देश पर शहर के एरोड्राम मैदान में कराई गई, लेकिन बहाली प्रक्रिया के बाद 12 वर्ष बीत गए कि अभ्यर्थी ज्वाइनिंग की प्रतीक्षा करते रहे। 2022 के अगस्त में शारीरिक दक्षता पूरा कराया गया और नियमानुकूल एक सप्ताह में अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन कर नियुक्ति करानी थी, लेकिन इतने समय तक इंतजार करने के बाद शायद अभ्यर्थियों को अंतिम परिणाम यानी कि ज्वाइनिंग के लिए अभी और प्रतीक्षा करनी थी। 6 माह से भी अधिक का समय बीत गया, लेकिन ज्वाइनिंग की प्रक्रिया नहीं हुई। प्रशासन चुप्पी साधे रहा, जबकि अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र निकलने का इंतजार करते रहे। जब अभ्यर्थियों का सब्र जवाब दे गया तो वो कार्यालय पहुंचे और अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने की मांग को लेकर कारगिल चौक स्थित गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय का घेराव कर आक्रोश व्यक्त किया। जहानाबाद न्यूज़ के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट। आए हैं किस लिए? सर आए हैं बॉन्ड भरने के लिए सर। हम लोग होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं। 8 महीना पहले प्रक्रिया दौड़ का हो गया था और 1.5 महीना पहले से मेरिट लिस्ट निकाल दिया गया। उसके बाद हम लोग को बॉन्ड भरने के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है और हम लोग दर दर भटक रहे हैं। और करीब करीब समादेष्टा के पास सर 10 बार यहाँ आ चुके हैं, कोई इसमें रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं, खाली बोलते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। क्या कहे, आ जाए तो क्या कहे, अब मिले ही नहीं हैं। क्या मांग है आप लोग का? मांग है कि हम लोग 12 साल पहले जो आवेदन दिए थे, 12 साल तो ऐसे सर हम लोग का समय बीत गया है और बाल बच्चों के लिए सर तो मैंने बहुत दिक्कत है सर, कहने की बातें नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द मैंने बॉन्ड भरा दिया जाए, बॉन्ड भरा के ज्वाइनिंग करवा दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुणाल पासवान। घर? कुणाल पासवान। घर? सफेपुर। कहाँ सफेपुर? काको प्रखंड जिला जहानाबाद। जिला जहानाबाद।